हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। तो यार गाइस, ईद मुबारक सारे भाई और बहनों को। तो भाई साहब, लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। तो यार गाइस, हमारी इंडिया से और पाकिस्तान से कुछ गाड़ियों की शिपमेंट आई है जो हम लेने जा रहे हैं भाई। झूठ बोल रहा है। पोर्ट में जाना है, शिपमेंट आई है हमारी। और तुम लोगों के पास शिपमेंट क्यों आई है भाई साहब? हमने नया बिजनेस खोला है, कार सेलिंग बिजनेस। हमने कार शोरूम बिजनेस खोल लिया है। तो भाई अपनी फॉर्चुनर को मैं निकालता हूँ, तो अभी तुम्हें बता सारा कुछ बताता हूँ। रुको एक मिनट, बस एक सेकंड रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो जरा। यहाँ पर स्टार्ट करके खड़ा कर देते हैं ताकि गर्म हो जाए, तो तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तो यार गाड़ी गर्म हो रही है, गाड़ी गर्म होने जाती है। तो बात कुछ ऐसी है यार गाइस, मैंने छोटा सा बिजनेस खोला है कार शोरूम का, जो हम आस्ते आस्ते बड़ा करेंगे। तो भाई साहब, उसकी गाड़ियाँ मैंने मंगवाई हैं। एक तो भाई ये फॉर्चुनर जो कि बहुत पहले आ चुकी थी, तो भाई साहब इस फॉर्चुनर को भी बेचने लगा देंगे, बट अभी से मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है। और तीन गाड़ियाँ या शायद दो गाड़ियाँ और हैं जो कि हमारी शिप हुई हैं अभी इंडिया और पाकिस्तान से। और भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान से बहुत महंगी पड़ी हैं यार, पता नहीं डीलर्स ने इतनी महंगी मुझे क्यों दी है। बट अभी हमारा काम है जाके पोर्ट से उन गाड़ियों को उठाना और लाना अपने शोरूम में। लेट्स गो गाइस, यार जल्दी से चलते हैं शोरूम में और अपनी गाड़ियाँ उठा कर लाते हैं और तुम्हें दिखाते हैं। तो भाई साहब, तो जल्दी चलते हैं यार, मैं गाड़ी में भी फ्यूल भराता हूँ, फ्यूल भरा के तुमसे मिलता हूँ। लेट्स गो। A few moments later. तो गाइस यार, हम अपनी शिपमेंट के पास पहुँच चुके हैं। फॉर्चुनर मैंने वापस पहुँचा दिया और भाई साहब ट्रक तो मेरा देख सकते हो, इस ट्रक के अंदर गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो गाड़ियाँ तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा भाई, फिलहाल जाके मैं उसके अंदर दिखाऊंगा अपने शोरूम के अंदर। देखो यार, जब भी दिखाई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डकैतियाँ होती हैं मेरी गाड़ी को, कोई ले जाएगा स्टील करके। तो भाई साहब अभी जल्दी अपने शोरूम में चलते हैं और भाई संभाल संभाल के लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि यार गाइस थोड़ा सा खतरा है। ओ भाई साहब, देखो कितनी खतरनाक जगह से लेके जा रहा हूँ। बट यार गाइस, इन गाड़ियों की मालियत सिर्फ दोनों करोड़ों में है, ठीक है। और तुम लोगों के करोड़ों में क्यों है भाई साहब? इंडिया से काफ़ी महंगी मिली है मुझे, ठीक है। तो मैं गाड़ियाँ चल के दिखाता हूँ और फॉर्चुनर भी मैंने पहुँचा दी है अपने घर। फॉर्चुनर तो तुमने देख ली है, ठीक है। एक फॉर्चुनर है, मेरे ख्याल में तीन और गाड़ियाँ मिला के टोटल जो कि आई हैं हमारे लिए। अबे हटो ना यार, अबे यार टाओ टाओ गाड़ी देख जाने दो मुझे। अबे यार आजकल रश बहुत हो गया यार, कसम से देखो ना, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। ट्रक अब इजी नजर आ रहा है, काफी इजी नजर आ रहा है। शोरूम मेरा जो है यार गाइस, मैंने अपने दोस्त से खरीदा है, कोई खास नया नहीं लिया। तो जल्दी तुम्हें शोरूम में चल के ही मिलता हूँ। तो लेट्स गो। तो यार गाइस, अपने शानदार शोरूम में मैं आ चुका हूँ। अब गाड़ी जल्दी से अनलोड करते हैं, तो तुमसे अनलोड करके मिलते हैं। और शोरूम मेरा तुम देख सकते हो, ये वाला है। अच्छा। तो यार गाइज, मैंने तीनों गाड़ियां उतार ली हैं और भाई साहब इन तीनों गाड़ियों की कीमत करोड़ों में है। तुम लोग कहोगे भाई कैसे है? तो भाई साहब, जिस खाली मर्सिडीज मुझे 1,69,00,000 की मिली है। जी हाँ गाइज, मजाक नहीं मैं कर रहा। नाइस। और ये फोर्ड मुस्टैंग इतनी रेयर है कि भाई साहब ये भी मुझे 60,00,000 तक की मिली है। और भाई साहब, ये स्कॉर्पियो है तो सस्ती, बट मुझे इधर इम्पोर्ट करने में इसकी महंगी ड्यूटी लगानी पड़ी है। तो भाई साहब, ये तीनों गाड़ियाँ ही हैं। और अभी ऐसा ऐसा और गाड़ियाँ मंगवाएंगे, तुम्हें गाड़ियाँ कैसी लगी हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर तुम्हारा ज़्यादा टेस्ट ड्राइव इन गाड़ियों के लिए जाए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा और तुम्हें मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल से वीडियो को लाइक करना। टाटा बाय बाय। तो गाड़ी भाई साहब देख लो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, फोर्ड मुस्टैंग और मर्सिडीज़ एस क्लास। टाटा बाय।